नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता। आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अर्थात सामान्य अध्ययन में इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी तैयारी आप किस अध्ययन सामग्री से करें और संबंधित अध्ययन सामग्री से किस प्रकार से इस विषय से संबंधित रूपरेखा बनाए तैयारी करें, इसके संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने वाली हूँ। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं इतिहास विषय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले बताना है साथियों कि भारतीय इतिहास से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन की संख्या होती है, ठीक है। अर्थात संख्या लगभग 20 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से संबंधित होता है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का समायोजन किया जाता है। खास बात है कि जो कल्चर क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके हिस्टोरिकल तथ्य से ही होते हैं, अर्थात टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इस प्रकार से भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और साथियों, मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन की संख्या के दृष्टिगत आप सभी को संबंधित सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना होगा, अर्थात इतिहास को प्रत्येक दशा में अच्छे से तैयार करना होगा। यदि आपका बैकग्राउंड आर्ट साइड का है तब भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, साइंस साइड का है या अन्य किसी साइड का है तब भी आपको हिस्ट्री पर विशेष फोकस करना ही करना होगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन में अधिकतम अंक लाए जाने के लिए इतिहास में तैयारी बेहतर होना अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों, अब मैं जो दूसरा महत्वपूर्ण गाइडेंस है वो ये देने वाली हूँ, ऐसा कौन सा अध्ययन सामग्री है जिसके साथ आप अधिकतम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप सभी को बताना कि इतिहास के एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको सही कर पाना मुमकिन नहीं होता है, और ये ध्यान रखें सारे क्वेश्चन आपको सही नहीं करना होता है। निश्चित रूप से आप 100% की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको छोड़ देना ही उचित होता है। अर्थात आपका टारगेट ये होना चाहिए अधिकतम क्वेश्चन हिस्ट्री का सॉल्व हो सके। इसके लिए मैं आप सभी को अध्ययन सामग्री बताऊंगी। सामान्य अध्ययन इतिहास के दृष्टिगत यूनिक पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक काल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसका समायोजन अच्छे खासा दिया गया है। फ्रेंड्स, इस पुस्तक की खास विशेषता है कि विश्लेषणात्मक तमाम आयामों को शामिल करने के साथ साथ हिस्ट्री से संबंधित उस काल विशेष से संबंधित जितने फैक्ट हैं बॉक्स में और अलग से जो मैटर दिया गया है उसमें भी समायोजित किया गया है, जो कि काफ़ी आप सभी के लिए उपयोगी होना है। साथ ही यदि आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं तो इसके जगह पर मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहती हूँ यूथ पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास, क्योंकि इस पुस्तक में भी अच्छे खासे फैक्ट का समायोजन किया गया है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है किताब पढ़ना वो है एनसीईआरटी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अवगत कराती हूँ कि भारतीय इतिहास के लिए एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। और एनसीईआरटी किस क्लास का, सभी क्लास का नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे युवा जिनका ये क्वेश्चन है क्या 6 to 12 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ना होगा, मैं कहूँगी कदापि नहीं। बस आपको 10, 11, 12 अर्थात 10, 11, 12 की कक्षाओं का एनसीईआरटी पढ़ ले पर्याप्त है। साथियों, एनसीईआरटी आप सभी को क्यों सजेस्ट किया जा रहा है, उसका कारण है साथियों एनसीईआरटी में जो विश्लेषणात्मक आयाम दिए गए वो काफ़ी अल्टीमेट है और साथ में पर्याप्त फैक्ट भी उसमें दिया गया है। और जब आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं हैं, अर्थात मतलब आर्ट साइंस के बैकग्राउंड के नहीं हैं और पहली बार हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री को समझने में उसके तमाम आयामों को जानने समझने और अच्छे से आंसर को प्रस्तुत करने में यानी कन्फ्यूज़न को दूर करने के क्रम में ये किताब आपके लिए वरदान साबित होता है। तत्क्रम में फ्रेंड्स, मैं आप सभी को हिस्ट्री के लिए दो ही बुक रिकमेंड कर रही हूँ, वो है यूनिक पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास अथवा यूथ पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास। इन दोनों में से किसी एक पुस्तक को ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका एनसीईआरटी का भारतीय इतिहास, प्राचीन काल का, मध्यकाल का और आधुनिक भारत का। तो ये रहा आपका अध्ययन सामग्री। आप जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रणनीति इन किताबों से अपने टॉपिक की तैयारी करने के लिए। तो साथियों, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि यदि आप शून्य से आरंभ कर रहे हैं या आपके कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बार बार गलत हो जा रहे हैं
अर्थात रिवीजन के अभाव में आप क्वेश्चन में कंफ्यूजन प्राप्त करते हैं और जिसके क्रम में आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तत्क्रम में ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, अर्थात शून्य स्तर से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आप प्रथम अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और यदि बार बार क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं बावजूद गलत हो जा रहा है तो किस प्रकार से आप पढ़ें कि आप हर एक क्वेश्चन का सही आंसर दें, इसके संबंध में आप जानते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि यदि आप भारतीय इतिहास को तैयार कर रहे हैं तो हमेशा टॉपिक वाइज तैयारी करिए और इसका एक रणनीति होनी चाहिए। क्या सबसे पहले आप, जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ें। जी हाँ, सबसे पहले आप एनसीईआरटी से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब कॉन्सेप्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट तैयार करने के लिए आप यूनिक पब्लिकेशन के भारतीय इतिहास को पढ़ें अथवा यूथ पब्लिकेशन के भारतीय इतिहास को पढ़ें, और जब दोनों किताबों को आप पढ़ लें उसके बाद आप घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, अर्थात जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उसको आप पढ़ें। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से आप सभी को बताना चाहती हूँ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और प्रीवियस ईयर के लिए सबसे बेस्ट अध्ययन सामग्री है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। तो साथियों, घटना चक्र के पूर्वावलोकन से आप अवश्य ही भारतीय इतिहास के हर एक टॉपिक की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आरंभ करती हूँ, अपने क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। तो जब आप दोनों किताबों को पढ़ लेंगे तो अब आपको देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इन एग्जामों में। ठीक है, और उसके क्रम में आप देखेंगे कि कई क्वेश्चन घुमा फिरा कर कई बार पूछा है। ठीक, और जब आप क्वेश्चन उसी समय सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किताब आपके लिए कितना उपयोगी है, रिवीजन हो जाएगा फ्रेंड्स। और जैसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले, आप क्वेश्चन यदि गलत हो आपका, तो फिर आप इन दोनों किताबों को पढ़ें। ठीक है, फिर आपको दोबारा इन दोनों किताबों को पढ़ना होगा, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। लगभग आप 2 से 3 रिवीजन जब कर ले प्रथम टॉपिक का, उसके बाद ही आप ऋग्वैदिक काल की ओर अर्थात नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। साथियों, यदि ये प्रक्रिया आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। और साथियों, ये भी अवगत कराना है कि जब आप पढ़े तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको आप अवश्य हाईलाइटर से बोल्ड करते जाए। जी हाँ, जब आप कोई भी टॉपिक अपनी किताब से पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने का तरीका है कि जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको आप हाईलाइटर से बोल्ड करें अथवा पेन से अंडरलाइन करें, ताकि बोल्ड किए हुए, हाईलाइट किए हुए जो तथ्य हैं उसको रिवीजन करने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीकों को यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और फ्रेंड्स, कहा जाता है कि परिश्रम हमेशा सही दिशा निर्देश में ही करनी चाहिए, और सफलता एक बार में प्राप्त नहीं की जाती है, सफलता 2 बार में प्राप्त की जाती है। पहले आप अपने दिमाग में संबंधित लक्ष्य की सफलता प्राप्त करते हैं, उसके बाद धरातल पर क्रियान्वयन करते हैं। अर्थात सबसे पहले आप देखिए कि हिस्ट्री के अधिकतम क्वेश्चन को आप किस अध्ययन सामग्री से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके दिमाग से सफलता का श्रेय रहा। दूसरा हुआ परिश्रम, अर्थात सोचने के बाद उन किताबों को बार बार पढ़ें जो आप अध्ययन सामग्री के रूप में समायोजित किए हैं। फ्रेंड्स, इस क्रिया प्रतिक्रिया को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी पर कि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।